नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजियाना न्यूज। मैं दीपक रजक आपका स्वागत करता हूं। आइए रुक करते हैं आज दिन भर की खास खबरों की तरफ। मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों का आज मेडिकल शासकीय चिकित्सालय में संपन्न हुआ। चयनित अभ्यर्थियों का मेडिकल परीक्षण एक बोर्ड द्वारा कराया गया। सभी अभ्यर्थी वह हैं जिनका चयन पुलिस सेवा के लिए किया गया है। इस चयन में न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों का भी चयन हुआ है। मेडिकल परीक्षण में 200 से ज्यादा अभ्यर्थियों का चेकअप किया गया। जो मध्य प्रदेश आरक्षक पुलिस भर्ती में लड़के सेलेक्ट हुए हैं उनका मेडिकल कराया जा रहा है, जो 30 तारीख तक लगभग चले पूरा हुआ। करीबन कितने लड़के हैं? 221 22 लड़के हैं। कितने जिलों से आए? वो मध्य प्रदेश से सभी जिलों से और मध्य प्रदेश के बाहर से भी लड़के हैं सेलेक्ट। कांग्रेस पार्टी ने आज सिंधिया कार्यालय में एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य उन बातों पर विचार विमर्श करने का था जिसमें कांग्रेस और बीजेपी में सिर्फ श्रेय लेने की राजनीति होती है, वहीं मोदी और शिवराज सरकार के चलते संविधान को भी खरता है। इसके साथ ही आगामी 29 अप्रैल को दिल्ली में होने जा रही विशाल आक्रोश रैली में पहुँचने की बात भी कही गई। आज जिला कांग्रेस और कांग्रेस परिवार की ये बैठक प्रदेश कांग्रेस के पर्यवेक्षक श्री प्रद्युमन सिंह जी तोमर के मार्गदर्शन में आज यहाँ आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्यतः तीन विषय थे। एक तो 29 तारीख को कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में देश में जिस प्रकार की विघटनकारी ताकतें अपना सिर उठा रही हैं और संविधान के ऊपर जिस प्रकार का खतरा उत्पन्न हो रहा है, और उसके अलावा नए पंचायती राज व्यवस्था की 25वीं वर्षगांठ जो कि कांग्रेस और स्वर्गीय राजीव गांधी जी की देन थी, उस पर जिस हिसाब से अधिकारों को छीनने का और उसकी उपलब्धियों को भाजपा द्वारा अपने खाते में डालने का जो कुत्सित प्रयास किया जा रहा है, उन सब में मुद्दों पर विचार विमर्श करने के लिए ये बैठक का आयोजन किया गया था। हम सब के जितने भी विचार सामने आए उसमें दो चीज़ें सामने आईं कि देश के संविधान के समक्ष इस समय भारतीय जनता पार्टी के मोदी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के रहते जिस प्रकार का खतरा पैदा हुआ है, वैसा देश की आज़ादी के बाद आज तक कभी खतरा पैदा नहीं हुआ। इस समय देश की आज़ादी में आंदोलनरत जो ताकतें थीं उन सब ताकतों को एक होकर के इन विघटनकारी ताकतों का विरोध करना और वर्तमान जो दोनों सरकारें उन सरकारों को हटाने में अपने आप को झोंक देने का प्रयास करने का संकल्प सब ताकतों के साथ मिलकर के करने का संकल्प लिया। इसी के साथ में जिस प्रकार से पंचायती राज व्यवस्था पे सरपंच से लेकर के जिला पंचायत और जनपदों के अधिकारों को जिस प्रकार से छीना जा रहा है, जो कि कांग्रेस की नई व्यवस्था में 25 वर्ष पूर्व उनको अधिकार दिए गए थे, उनको छीनने का प्रयास किया जा रहा है, उसके प्रति जनता को जागृत करना और 29 तारीख की रैली में हम लोग किस प्रकार से अपने अधिक से अधिक भागीदारी यहाँ से करके देश की आवाज़ को राहुल जी की आवाज़ के रूप में बुलंद कर सकें, उसके प्रति स्वयं को समर्पित करना, ये सब कुछ निर्णय लिए और उसके अनुरूप में आगे कार्रवाई करें। सुरक्षा सप्ताह के तीसरे दिन बैंकों के सामने खड़ी गाड़ियों पर चालानी कार्रवाई की गई। समस्या परे है कि बेचारे आम जन जाए तो जाए कहाँ, क्योंकि बैंकों में पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आम नागरिक अपनी गाड़ी खड़ी करें तो कहाँ? इसके लिए चालान या तो बैंकों का होना चाहिए या उन भवन मालिकों का जो बैंक जैसी संस्थाओं को अपने भवन किराए पर देते हैं। क्यों बार बार आमजन को ही चालानी कार्रवाई से गुजरना पड़ता है? सड़क सुरक्षा के नाम पर अभियान यातायात पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। यह तब तक कारगर नहीं होगा जब तक इन व्यावसायिक भवनों पर कार्रवाई नहीं की जाएगी। पूरा कागज
गाड़ियाँ खड़ी कर लेते हैं, वो हटाने की कार्रवाई की जा रही है। करीबन कितनी गाड़ी पकड़ी है? अभी 3-4 गाड़ियाँ पकड़ी है। आज ये जो बैंकों के सामने जो गाड़ियाँ लगा रहे थे नो पार्किंग वहाँ जोन में जिनकी गाड़ियाँ खड़ी थी उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई की गई है, क्योंकि कई बार इन लोगों को समझा दिया गया है, कई बार हिदायत दी गई है, ये अपने हस्तकों से बाज नहीं आ रहे हैं, तो आज उनकी गाड़ियों पर हम लोगों के द्वारा उठवा करके उठाने लाया गया था, चालानी कार्रवाई की गई। और सर इस हफ्ते को लेकर भी कुछ कार्रवाई? ट्रैफिक सप्ताह को लेकर के आज शाम 5 बजे से बस स्टैंड पर या ड्राइवरों का जितने भी ड्राइवर हैं ऑटो ड्राइवर बस ड्राइवर तो ड्राइवर जो भी हैं उनके प्रशिक्षण दिया जाएगा शाम को 5 बजे। बैंकों के पास पार्किंग है, उनकी बैंक की जो बिल्डिंग बनी है उसके बेसमेंट पर पार्किंग की सुविधा दी गई है, लेकिन जो बैंकों के बिल्डिंग मालिक हैं उन लोगों के द्वारा उस बेसमेंट को अन्य लोगों को किराए पर दिया जाकर दूसरे कार्य करवाए जा रहे हैं, जैसे मूर्ति बनवाना और भी जो कुछ काम जो जहां सामान निर्मित होता है सामान बना करके बेचते हैं उन लोगों को उन्होंने किराए पर दे रखा है। ये सारी चीज़ें गलत है, अवैध है। इसके लिए इस पर हम लोगों के द्वारा माननीय कलेक्टर महोदय को भी पूर्व में पत्राचार किया था और अभी फिर नए कलेक्टर सर आए हैं तो उनसे पत्राचार किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। सर जी गार्डनों पे भी जो पार्किंग नहीं रहती है सर दिक्कत आती है बहुत रोडों में, तो उन पे भी सर अभी शहर में पूरी हर जगह पार्किंग की व्यवस्था को लेकर के एक अगली जो सड़क सुरक्षा समिति की जो मीटिंग होगी उसमें काफ़ी कुछ प्रोपेगेंडा मतलब काफ़ी ये पॉइंट बिंदु रखे जाने हैं और संभवतः अगली मीटिंग में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के भी कुछ लोग उपस्थित होंगे, उनके द्वारा पूरे शहर में भ्रमण कर निरीक्षण करके और जो भी पार्किंग हुए तो उचित जगह दिखेगी वहाँ पर पार्किंग व्यवस्था तैयार। वार्ड क्रमांक 11 के निवासी इन दिनों वार्ड में खुद कर रहे हैं साफ सफाई। मोहल्ले वासियों का कहना है कि सफाई कर्मी का जब मन होता है तब आता है, इसके साथ ही जब वह साफ सफाई करता है तो कचरा एक नाले में भर जाता है जिसके चलते नालियों में पानी भरकर रोड पर आ जाता है। इस मोहल्ले का आलम यह है कि यहाँ रहने वाली महिलाएं खुद साफ सफाई करती हैं। यह वार्ड 11 शहर के नाम ही स्कूल क्राइस्ट स्कूल के पीछे है। इस वार्ड की नालियों में पनपते मच्छर बीमारियों का कारण बन रहे हैं। वह स्कूल नजदीक होने के चलते इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी प्रभावित हो रहे हैं। मोहल्ले वासियों की बात माने तो उन्होंने बताया कि कई बार नगर पालिका में इसकी शिकायत करने के बाद भी इनकी कोई सुनवाई नहीं होती, वहीं मोहल्ले के बच्चे भी बीमार पड़ते रहते हैं। कंप्लेंट कर दी नल के नल का नहीं है, सफाई तो बहुत बड़ी बात है। चला लो इधर इधर, अरे कंप्लेंट कर दी मत, देखो मत। चलो ठीक है, थोड़ा बहुत कचरा ले जाता है और उसमें ही ठूस जाता है। अब शांत रहो। हाँ, और क्या क्या दिक्कत आ रही है? बस यही दिक्कत आ रही है, कचरा हमारे आगे आ रहा है, मच्छर खा रहा है। तो ये लोग आप ही लोग साफ करते हो? हम ही कर रहे हैं रोजी। हाँ रोजी कर रहे हैं, बहुत थोड़ा बहुत ले जाता है। तो कोई आते हैं तो ये कहते हैं कि शिकायत कर दो आगे। अच्छा, तो इसकी शिकायतें करी हैं आपने? बार साल से कई परसों बंटी खारे जाया था, उसे भी बोल रहा था। तो कोई सफाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही। दिन नाली इतनी छोक रहती है यहाँ पर, आए दिन समस्या का कारण बनता जा रहा है, आए दिन मच्छर पैदा हो रहा है, इल्लियाँ पड़ती जा रही हैं और मच्छर होते हैं तो बच्चों को बच्चे आए दिन बीमार हो रहे हैं। आप भी देख सकते हो कितनी गंदगी चल हो रही है यहाँ पर, और स्वयं महिला स्वयं यहाँ पे सफाई कर रही हैं, आप खुद देख रहे हो। तो नगर पालिका में 2 बार शिकायत कर चुके हैं, कर्मचारी आता है वो आए दिन बोलता है कि पैसे दो जब सफाई करेंगे, अपनी मन मर्जी करता है, कभी 11 बजे आएगा कभी 12 बजे आएगा। हाँ, रोज 2-4 दिन से तो अभी आ ही नहीं रहा वो, बिल्कुल मोहल्ले जो निवासी हैं वही लोग सफाई कर रहे हैं, क्योंकि ये उसको लगता है जहाँ से दूर कचरा फेंकना पड़ता है तो वो यहीं पूरा कचरा फेंक जाता है। अच्छा, नाले में भर जाता है, पूरा नाला भी चोक कर चुका है, वो पूरा नाला चोक हो गया। श्रीराम कॉलोनी के रहवासी इन दोनों जूझ रहे पानी की समस्या से। इस कॉलोनी में ऐसा नहीं कि पानी नहीं आता हो, पानी तो समय पर आता है लेकिन पीने लायक नहीं आता। मोहल्ले वासियों का कहना है कि नल में लाल पानी आ रहा है जो कि पीने के काम का नहीं है, इसी के चलते मोहल्ले वासियों को दूर से पानी भरने को मजबूर है। वही मोहल्ले वालों का कहना है कि नगर पालिका में शिकायत भी कर दी गई है, उसके बाद भी टैंकर नहीं भिजवाया जाता। बस से चल।
पानी की बहुत समस्या। तो घरों में कैसा पानी आ रहा है? गंदा या पहली बार दो ड्राम साफ आता था, गंदा जाता, लाल आता है, लाल आ जाता है, मिट्टी आती है। हाँ, तो फिर आप ये साफ पानी कहाँ से भर के लाते हो? ये इधर नल से ले जाते हैं साफ, हैंडपम्प से। हाँ, सुबह से ही ना इस मोटर में ना गंदा सा पानी आना, पीने के लायक भी नहीं है, ना ही फेंकने नहाने के लायक। अच्छा, और मोटर से मोटर भी खराब हो जा सकते हैं। तो आप है ना फिर पीने के लिए कहाँ से लाते हैं पानी? अभी तो गंदा ही आ रहा है, इधर पास में ट्यूबवेल है, उससे में भी गंदा ही आ रहा था। अच्छा, दूर से लाने पड़ता है? हाँ, दूर से लाने पड़ता है। अब एक अच्छी खबर, म्याना रेलवे स्टेशन पर हर साल की तरह इस साल भी समाज सेवियों द्वारा यात्रियों की सेवा के लिए और उनकी प्यास बुझाने के लिए पानी पिलाया जा रहा है। समाज सेवी अपने कामों को छोड़कर ट्रेन आने से पहले स्टेशन पर आकर ट्रेनों का इंतजार करते हैं और सभी यात्रियों को पानी पिलाते हैं, और तो और बैठे हुए यात्रियों को भी वहीं पर पानी देते हैं। इस भीषण गर्मी में यदि यात्रियों को ठंडा पानी मिल जाता है तो उनकी थकान उतर जाती है। पानी पुरान लगा। म्याना से हमारे सहयोगी सत्येंद्र तिवारी की रिपोर्ट। बच्चों से भरी बस में फैल सकता था करंट, हो सकता था बड़ा हादसा। गुना में ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होने के साथ ही लोग मनमर्जी से रास्ते पर जो भी करना चाहते हैं वह करते हैं। इसके बावजूद ट्रैफिक पुलिस वाहन चालकों पर चालान बनाकर हेलमेट पहनने की सलाह देती है, चाहे शहर की सड़कों पर बस संचालक, चार पहिया वाहन कुछ भी करते नजर आए। ऐसा एक मामला आज सुबह 7 से 8 बजे के बीच क्रस्ट स्कूल के पास देखने को मिला। इसमें विद्या भवन पब्लिक स्कूल की बस 20 रास्ते में ही आड़ी खड़ी कर दी गई। पीछे करंट के तार, विद्युत पोल और आगे मकान। 7 बजे से लेकर 8 बजे तक ट्रैफिक जाम रहा। जागरूक नागरिकों ने कंट्रोल रूम फोन तो किया, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस ने न तो ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू हुई न ही वहाँ आई। पुलिस का एक जागरूक नागरिक जो कि अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने आया था, उसने बस ड्राइवर से बस में बैठे बच्चों को उतारने को कहा, क्योंकि पीछे विद्युत पोल था जिसके कारण बस में करंट फैलने का खतरा बना हुआ था। नागरिक की सूझबूझ से आज बड़ा हादसा होते होते टल गया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करने के बाद भी नहीं आई। क्या महज दोपहिया वाहन के चालान बनाने से ट्रैफिक सुधरेगा? ये बात समझ से परे है। धक्का प्लेट बस है ये, धक्का प्लेट। अरे मैं चट्टा प्यार के नहीं आने जा रही, जैसी भी लाइन। डीजीएनआर न्यूज में आज बस इतना ही, कल नई खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।